हम लोन डिफॉल्ट हो गए, लेकिन कौन सा लोन नहीं भरना सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और यदि लोन डिफॉल्ट हो गए तो क्या करना चाहिए, आज इसी मुद्दे पर है हमारा वीडियो। साथियों, यदि आपने कोई सिक्योर्ड लोन लिया है, सिक्योर्ड लोन में यदि आपने होम लोन लिया है, प्लॉट पर प्लॉट मॉर्गेज रख के लोन लिया है, यदि आपने होम कंस्ट्रक्शन लोन लिया है, यदि आपने अपनी जमीन को गिरवी रख के लोन लिया है, तो साथियों यहां पर आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आपका लोन एनपीए होते ही यानी कि 90 दिन तक के एक भी पैसे का भुगतान नहीं करने की दशा में आपका लोन एनपीए हो जाता है, और जब लोन एनपीए हो जाएगा ना तो बैंक इन मामलों में सीधा सरफेसी एक्ट का हथियार अपनाती है। सरफेसी एक्ट बैंकों को वो वृहद कानून मिला है जिसके लिए उसे कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। बैंक आपको 60 डेज का नोटिस देगा, 13-2 का। आपने 13-2 के नोटिस का जवाब नहीं दिया, आगे 13-4 की प्रोसीडिंग, और आगे मकान पे सिंबलिक पोजीशन, और आगे मकान को ऑक्शन करके अपने राशि को रिकवर करने का बैंक पूरा प्रयास करता है। इसीलिए यदि आपने सिक्योर्ड लोन लिया है, यदि होम लोन, कंस्ट्रक्शन लोन, प्लॉट लोन या फिर मॉर्गेज लोन लेते हुए किसी भी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा है ना, तो आप लोन को कभी एनपीए मत होने दीजिए, और यदि लोन एनपीए हो गया ना, सरफेसी एक्ट की कार्रवाई हो गई ना, तो अधीनस्थ सिविल न्यायालय जो भी है वह इस मामले में अधिकारिता नहीं रखते हैं कि इस मामले में आपको कोई स्टे या लाभ दे पाए। उस समय आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, हाई कोर्ट या डीआरटी, जहां पर भी आपको मिनिमम 20% अमाउंट तो जमा कराना ही होगा। तो ये आपके लिए एक मुसीबत का सबब बन सकता है, तो लोन नहीं भरना खतरनाक होगा सिक्योर्ड लोन में, और वो भी वहां पर जहां आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी है। इसीलिए कोई ऐसी गलती न करे कि आपको खामियाजा भुगतना पड़े, आपके परिवार को, आपके माता पिता, आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को बेघर होना पड़े और आप उलझ जाए। इसलिए लोन लेने से पहले आप इन चीजों का ध्यान रखें, और लोन का इंश्योरेंस करवाना तो बिल्कुल भी ना भूले, और लोन का सेंक्शन लेटर और इंश्योरेंस की कॉपी अपने घर वालों को देना बिल्कुल भी नहीं भूले। इसी प्रकार के लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियां और लोन डिफॉल्टर से जुड़े अधिकारों के बारे में इस चैनल पर जानकारी दी जाती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही यदि आपका कोई साथी लोन के मामले में दुखी है, डिफॉल्टर हो रहा है, तो हमारे चैनल का लिंक उनको जरूर भेजें। और एक बात और कहूंगा कि आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी होना, एक बार इस चैनल को विजिट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ढेरों इंफॉर्मेशन दी गई है, और वो सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपको सशक्त बनाएगी, मजबूत बनाएगी, लोन डिफॉल्टर के अधिकारों के बारे में जागरूक करेगी, और सबसे बड़ी बात यह कि आपके हर सवाल का जवाब हमारे चैनल पर मौजूद है। फिर भी कॉल बुक करना चाहते हैं तो कॉल बुक लिखकर टेक्स्ट मैसेज करें, आपका कॉल बुक होगा तो आपको टेक्स्ट कॉल आ जाएगा। अनावश्यक कॉल करके हैरान परेशान प्रताड़ित न करें। धन्यवाद।